पूरा टेंस याद करें बस 5 मिनट में। ओके भाई, चलिए देखते हैं। सबसे पहला टेंस कौन सा होता है? प्रेजेंट टेंस, जो अभी चल रहा है उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट टेंस। जो टाइम अभी चल रहा है वो टाइम कौन सा होगा? प्रेजेंट टेंस। चलिए, जो बीत गया है, जो टाइम बीत गया उसको क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस। और जो आने वाला टाइम है उसको क्या बोलेंगे? फ्यूचर टेंस। चलिए, हर टेंस के चार चार भाग होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि प्रेजेंट टेंस के भी चार भाग और पास्ट टेंस के भी चार भाग और फ्यूचर टेंस के भी चार भाग। प्रेजेंट टेंस के अगर चार भाग की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट टेंस की बात करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस की बात करेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए देखते हैं इसकी जो आइडेंटिटी होती है और इसका जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो क्या क्या यूज होता है। सबसे पहले देखेंगे कौन सा, हम सबसे पहले देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य के अंत में क्या लगा होगा? ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। और इसके लिए हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब में एस या एस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगाते हैं? जब वर्ब, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो। एस या एस कहाँ लगाते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। उसके बाद में सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा तो फिर हम डज या डू हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। डज या डू वर्ब जब यूज करेंगे तो उसके साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। डज कहाँ यूज होगा? डज हमारा यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। डू कहाँ यूज होगा? डू यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस का कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं लगा होगा। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं इस एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी। वर्ब में आई एन जी लगा देंगे और इस एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो हंस रहा है। इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज हम करेंगे ही, शी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ में। एम का यूज कहाँ पे करेंगे? एम का यूज करेंगे आई के साथ में। आर का यूज हम कहाँ करेंगे? ही, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ में। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वाक्य अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, ये काम हो गया है। जो वर्क अभी रिसेंटली परफेक्ट में, अभी रिसेंटली परफेक्ट हुआ है या फिर उसका कोई रिलेशन प्रेजेंट से है। जैसे कि मैंने मैंने ताजमहल देखा है, मैं ताजमहल देख चुका हूँ। अगर वो प्रेजेंट से रिलेशन है, प्रेजेंट से रिलेटेड है तो फिर वो प्रेजेंट टेंस का परफेक्ट टेंस होगा। इसके लिए क्या करेंगे? हैज या हैव लगाते हैं प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। हैज कहाँ लगाएंगे? हम हैज का यूज करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और हैव का यूज करेंगे आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। चलिए तीसरा देखते हैं, तीसरा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसमें क्या आइडेंटिटी होती है? समय के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि लगा होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे? हैज बीन या फिर हैव बीन का यूज करेंगे। हैज बीन कहाँ लगाएंगे? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। हैव बीन कहाँ लगाएंगे? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। उसके बाद में हम वर्ब में आई एन जी लगा देंगे एंड देन सिंस या फॉर। सिंस का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? फॉर का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? सिंस का प्रयोग हम करते हैं निश्चित टाइम के लिए और फॉर का प्रयोग करते हैं अनिश्चित टाइम के लिए। निश्चित टाइम और अनिश्चित टाइम क्या होता है? निश्चित टाइम यानी कि जैसे कि 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 8 बजे, 10 बजे, सोमवार, मंगलवार, 1997, 2000, 2015, 2020, ये सब निश्चित समय है। ठीक है, ये और फॉर जो है ये क्या होता है? ये अनिश्चित समय यानी कि ये पीरियड ऑफ टाइम होता है। सिंस क्या होता है? ये सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है? अनिश्चित समय। जैसे कि 2 दिन से, 2 घंटे से, 2 साल से, 2 माह से, यानी कि इसमें कोई निश्चित नहीं पता है कि कौन सा दिन है, कौन सा तारीख है, कौन सा समय है। तो फिर हम क्या यूज करेंगे? फॉर लगाएंगे, उसके बाद में हम टाइम का यूज करेंगे। ओके, हैज बीन, हैव बीन या फिर हैज बीन या फिर हैव बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फिर फॉर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। वाक्य अंत में या ये था, जाता था, जाती थी, जाते थे आदि ये सब लगा होता है। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डिड का यूज करते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं? हम लगाते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ लगाते हैं? हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। बाकी नेगेटिव सेंटेंस या फिर इंट्रोगेटिव में हम क्या करते हैं? डिड लगाते हैं और डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, अगला टेंस कौन सा है? रहा था, रही थी, रहे थे, पास्ट का परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में हम क्या लगाते हैं? वाज वर लगाते हैं, वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। वाज कहाँ लगाएंगे? आई के साथ में और ही, शी, इट तथा सिंगुलर नंबर के साथ में वाज लगाएंगे। याद रखना, आई के साथ में और ही, शी, इट तथा एक वचन कर्ताओं के साथ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। वर कहाँ लगाएंगे? वी, यू, दे
आर तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ में हम वर्ब का यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी। ओके नेक्स्ट देखेंगे, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। ओके काम पास्ट में परफेक्ट हो गया था, किसमें, पास्ट में परफेक्ट हो गया था, तो हम क्या लगाएंगे, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखेंगे, समय के साथ में रहा था, समय के साथ में रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, तो हम क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, हैड बीन लगा देंगे, वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, सिंस या फिर फॉर लगाएंगे, उसके बाद में टाइम लगा देंगे। ओके नेक्स्ट देखेंगे फ्यूचर का, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, गागी गे, फ्यूचर क्या बताता है कि ये टर्म काम जो है वो होगा, अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर की बात है। फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस सिंपली हम क्या करेंगे, विल या फिर शैल लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ओके तो शैल का यूज कहाँ पे करते हैं, आई और वी के साथ में सिर्फ शैल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में हम विल का प्रयोग करेंगे। रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, कौन सा टेंस होता है, ये टेंस होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके लिए क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, उसके बाद में हम वी का यूज करते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, इसके लिए क्या लगाते हैं, विल या फिर शैल लगाते हैं, प्लस उसके बाद में हैव या लगाते हैं, क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, यहाँ पे हैव लिखा नहीं है, क्या लगाएंगे, हैव, विल, विल हैव या शैल हैव, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट एंड लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, समय के साथ में रहा होगा, समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स की कंडीशन क्या होती है, विल या शैल लगाएंगे, उसके बाद में हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, फिर सिंस या फिर फॉर, फिर टाइम। ठीक है फिर से देख लेते हैं, समय के साथ में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, उसके लिए क्या करते हैं, विल या फिर शैल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद में सिंस या फिर फॉर एंड देन टाइम।